नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज निचोड़। सोमवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। सीबीआई विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत के मामले में घिरे सीबीआई नंबर 2 ऑफिसर राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी गुरुवार तक नहीं की जा सकती। सीबीआई अपने स्पेशल डायरेक्टर के मामले में अब तक अपनी जांच पर कायम है, जिसमें अस्थाना को 1 नवंबर 2018 तक छुट्टी पर भेज दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक टाल दी है। 2 लाइन के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनवरी में शुरू किए जाने का फैसला दिया है। मामले की नियमित सुनवाई पर फैसला भी जनवरी में ही होगा। इंडोनेशिया में यात्री विमान के क्रैश होने से सभी 189 यात्रियों की मौत हो गई है। बचाव दल के मुताबिक इस विमान दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों के शव बरामद होने लगे हैं। हादसे से शिकार हुए विमान की उड़ान के सिर्फ 13 मिनट बाद राडार से संपर्क टूट गया था और विमान समुद्र में गिर गया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे मालवा निमाण अंचल में कांग्रेस चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रचार से पहले आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। राहुल से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी उज्जैन में महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई थी। सोमवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए hindi.firstpost.com के साथ।